पंजाब वाले से थोड़ा सा कम है, पर पंजाब वाले बराबर भी है, क्योंकि अपनी कहानी अच्छी थी और लड़ाई भी अपनी जो है वो चार गांव की थी, पंजाब में बहुत गांव की, इसलिए उसने 10,000 दिए हैं तो इसने 8,500 दिए। हाँ, आज ये 8,500 जो है उसको। दूसरा ये कि ये जो उससे ऊपर जमीन वाले लोग हैं उनका अलग पैसा, उनको इतना ही मिलेगा। पहले पैसा उनको जो मिलेगा वो 34,000 ये वो बातें, क्योंकि कानून जो राजस्थान सरकार का है वो ये है कि 4.25 एकड़ जो 1 हेक्टेयर जमीन है उसको तो मुआवजा पूरा देंगे और बाकियों को इसी हिसाब से मुआवजा और देंगे, चाहे किसी किसी। ये सारा जो है ये सारी लिस्ट बना दी, अभी वो लिस्ट भी ले आएंगे, आपको बता देंगे किस गांव में कितने आते हैं। सब ज्यादा बात पंचायत में है और हकमाबाद पंचायत में, बड़वाड़े पंचायत में। ये जो आदमी है उनकी लिस्ट बन गई, हमने उनको ये कहा है कि आप लिस्ट बना के पैसे जोड़ दो, पैसे भी जोड़ दिए उन्होंने, पैसे जोड़ के 4 करोड़ रुपए इन सारे गांव में जो नुकसान हुआ है 2478 आदमियों का, उनको 4 करोड़ रुपए मिले। ये तो ये रकम भी उन्होंने बता दी और नाम भी, उनके नाम नहीं लिखे बिल पर, वो पटवारी के पास नाम है, वो नाम से पता लग जाए। हमारा उनसे एक कहना था कि जिस आदमी का नाम रह गया, यानी एक गांव में 200 खाते हैं, 200 घर हैं, अगर वहां 150 की लिस्ट बढ़ाई है और 50 आदमी की नहीं बढ़ाई या 5 भी रह गए तो उनका हमको नाम दो, ताकि उन आदमियों को हम बताएंगे तुम्हारा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो वो SDM को दरख्वास्त देंगे, पटवारी जाएगा और उनका जितना नुकसान हुआ है वो लिख के देगा और उसकी लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में आपसे मुझे कहना है कि जो भी रह गया है, क्योंकि कभी कभी होता है पटवारी करने वाला है, एक तो उन्होंने बात बताई कि 3 लड़कियां पटवारी थी, पटवारियों में लड़कियां थी इसलिए गड़बड़ी की थोड़ी कम गुंजाइश होती है। आदमी पटवारी हो वो अलग है और लड़की बेचारी अभी अभी लगी है, वो अगर पटवारी है तो थोड़ा गड़बड़ी करना जानती नहीं, नहीं तो मिल मिला के गड़बड़ी कर लेते। तो इसलिए ये लिस्ट जो है ये अभी आ जाएगी, आपको बता देंगे और आपने कोशिश करके देखो, ना तो कोई नेता आया, ना कोई नेता आपको बुला के लाया, ना किसी ने कोई कोशिश की, ये तो स्वाभाविक आपकी जो कोशिश थी 3 गांव की और उनके बुजुर्गों की जो हिम्मत करके और यहाँ आके बैठ गए, ये जिद करके बैठ गए कि मुआवजा लेके जावांगे, और उनकी इज्जत रही है कि वो आए थे जिद करके और उनकी जिद पूरी हुई, 4 करोड़ लेके जाने का देला नहीं मिलना सी रुल जाते, ये 4 करोड़ अपने गांव में लेके जाए।
तो ये मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये लड़ाई जीती है। इसका असर और गांव में भी होगा, ना नुकसान हुआ है। दूसरी है बैंक वाली, जिसने बैंक में दरख्वास्त नहीं दी अब भी दे दे दरख्वास्त, क्योंकि बैंक का जो मामला है वो जमीन अलग है। वो जो दिखाएगा नुकसान वो पटवारी और एक काश्तकार मिलके और साथ में एग्रीकल्चर का आदमी मिलेगा और वो लिखेगा कितना नुकसान है। ये तो नुकसान इन्होंने लिख दिया, इसको वो कंपनी ना माने बदमाशी कर ले तो उनको लिखना पड़ेगा, और अपने को बैंक में जरूर लिखना है। अगर आप बैंक में लिख के दे दोगे तो उनको मुआवजा इससे ज्यादा मिलेगा और हर हालत में उसकी लड़ाई लड़ेंगे और दिलवाएंगे उसको। पर ये कर दो, कोई आदमी जिसने केसीसी बनाई है वो उस बैंक में लिख दे कि मेरा नुकसान हो गया। बस ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया हो गया। इसी तरह कोशिश होगी कि सारे लोग जो है वो टेलीफोन भी कर दें और टेलीफोन के साथ साथ लिख भी दे दें, एक थोड़ी दरख्वास्त लिख के बैंक में दे दें। ये जो काम है मुझे लगता है। पहले तो जो बड़ा वृष्टि है उसने किसानों को परेशान किया, उसके बाद में आप 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो हम भी किसान पुत्र हैं, दिल पसीजता है, और वास्तविक हुआ जो नुकसान हुआ हमें देने में कोई खर्च भी नहीं है, काम है हमारा इसी का, आपके टैक्स से ही हमें तनख्वाही मिलती है, तो हमारा काम हमारा, हम इसे करने में लगे हुए थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता ही है ऐसे कोई काम में, त्रुटि ना हो कुछ होता नहीं भाई। तो तहसीलदार जी ने ये सर्वे करा के जो आपकी मांग थी उसके अनुसार ही ये बना दिया है, तो 70 की एक बार जो क्या संख्या रही है कैसे क्या है वो आपकी मांगों को मान लेंगे, उसको थोड़ा सा विस्तृत ये तहसीलदार जी बता देते हैं। बागसर में 1520 काश्तकार है जो प्रभावित है, हाकमाबाद में 427, बनवाली में 523, टोटल है वो 2470 काश्तकार प्रभावित है अभी। हाँ, बाकी लिस्ट हम भेज देंगे, कलेक्टर साहब मांगेंगे तब काश्तकारों की लिस्ट है वो भेज दी जाएगी और आपको भी अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद जी। साथियों एक कॉपी नहीं फोटो खिंचा के पहले भी फोटो खिंच के, हाँ जी कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, थैंक यू। एक तो मैं 12 मेंबरी कमेटी में मेरी बेनती है नौ दिन रोजपाल नू ते पाला राम जी नू कॉन्टैक्ट से रहो, जो भी लिस्ट तैयार हो लिस्ट सारी व्यक्तिगत चैक करनी है, अगर किसी भी पिट चकदा कोई बंदा छुट गया तो वो जिम्मेवारी ताड़ी है। रोजपाल जी पाला राम जी जी 12 मैंबरी कमेटी है, एक जो ठेकेनाम वाली गल सी वो रोजपाल जी ज्ञापन दे के आओ तुम लैके 12 मैंबरी कमेटी पाला राम जी को, ताकि जो लोगों ने ठेकेनामा नहीं लिखा वो आप जमीन ठेके लिए उन्होंने मुआवजा दवा सकी। इन्होंने गलों ध्यान रखना, तुम चल के आए हो, मेहनत की है, ताकि मेहनत पले पई है, तुम बधाई के पात्र हो, तो जे तुम रोकते थे जाके उन्होंने एक नारा ला दो, किसान एकता जिंदाबाद।